अब हम पढ़ेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के बारे में। ये भी एक पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हार्मोन्स है, बट ये भी क्या है, ये भी वही बंदा कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, और सिक्रीट और रिलीज कहाँ से होता है, हमारा पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो फर्स्ट हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, एडीएच भी बोल देते हैं, तो इट आल्सो नोन एज द वैसोप्रेसिन या पिट्रेशन हार्मोन्स भी इसको बोलते हैं। तो ये सिंथेसिस कहाँ पर होता है, मतलब सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस से, और रिलीज और स्टोर एंड रिलीज एंड सिक्रीशन कहाँ से होता है इसका, हमारा पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो फंक्शन ऑफ द एडीएच, हमारा एडीएच का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, तो जो हमारा एडीएच हार्मोन से क्या कराता है, हेल्प कराता है हमारे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, मतलब वाटर को रीएब्जॉर्ब कराने में, ठीक है। और जिससे क्या होगा, हमारा फ्लूड बैलेंस मतलब मेंटेन रहेगा, जो हमारा फ्लूड प्रोसेस है वो मेंटेन रहेगा। फिर उसके बाद है, इट इज द कॉन्स्टिक्स इन द ब्लड वेसल्स, सो हेल्प इन द इंक्रीज जीपी। ये क्या कराता है, जब मैंने बताया था एक बार कि अगर हम ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्टिक कराता है, कि अगर ऐसे में एक वैसे बताऊँ, वैसो कॉन्स्टिक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिक्शन, तो क्या होगा, बीपी हमारा बढ़ेगा। और अगर वैसो डायलेशन हो रहा है तो बीपी हमारा कम हो जाएगा, बीपी डिक्रीज, ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज, और इसमें हमारा इंक्रीज। तो ये क्या करता है हमारा, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है हमारा एडीएच हार्मोन। तो इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ये हेल्प कराता है हमारे वॉन विलबर्ड फैक्टर, मतलब वॉन विलबर्ड फैक्टर एक वो फैक्टर होता है, क्लोटिंग फैक्टर है हमारा, जो क्या कराता है, ये जो फैक्टर 8 है, मतलब क्लोटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए, तो इसमें मतलब इसमें भी इसका हेल्प कराता है, मतलब इसके यूज में भी ये एडीएच हार्मोन जो है वो हेल्प कराता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये हेल्प कराता है हमारा सोशल बिहेवियर में, सेक्सुअल मोटिवेशन में, और पेयर बॉन्डिंग में, कि हमारी पेयर बॉन्डिंग कैसी है, सेक्सुअल मोटिवेशन हमारा कैसा है, या सेक्सुअल बिहेवियर हमारा या सोसाइटी बिहेवियर कैसा है, उसको मेंटेन कराता है। फिर अगर हमें एक लास्ट नोट लिख लो, नोट क्या है इसमें, कि पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें नोट्स क्या है, कि जो हमारे पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो किसी मतलब किसी भी हार्मोन्स का सिंथेसाइज नहीं कराती, तो पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ हार्मोन्स, किसी भी टाइप का हार्मोन्स का सिंथेसाइज नहीं कराती हमारी पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंड ओनली स्टोर एंड रिलीज बाय द पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब जो हमारा हार्मोन्स का रिलीजन होता है वो कहाँ पर होता है, मतलब हमारा जो हार्मोन्स है वो सिंथेसाइज तो हमारी पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड कराती नहीं, बट क्या है, जो हमारे दो हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन, इनको क्या कराती है, रिलीज कराने में हेल्प कराती है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन्स को रिलीज कराने में हेल्प कराती है। तो ये हमारा पोस्टियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में।